हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन चैप्टर वन नेचर ऑफ कंपनीज की, जिसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया था सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी को. कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. इसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी किया, जिसमें सेक्शन 9 किया हमने, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका निमोनिक किया हमने प्लीज पलटो. पहली कैरेक्टरिस्टिक थी आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल बिकॉज इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट इज क्रिएटेड बाय सैंक्शन ऑफ लॉ. पर्सन बिकॉज इट हैज सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स दो तरह से क्रिएट हो सकती है इंडिया में, या तो कंपनी लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट में, या फिर किसी भी और स्पेशल एक्ट में. इसका मतलब अगर आप कंपनी बनना चाहते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म एंड रजिस्टर करवाना होगा, इनकॉर्पोरेट करवाना होगा अपने आप को. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका मतलब दैट अ कंपनी एट लॉ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु एस्टैब्लिश इट. लीगल एंटिटी क्योंकि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट विच गिव्स इट अ लीगल स्टेटस. इसमें दो केस लॉज भी करे हमने, सेलोमॉन वर्सेज सेलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें डिसीजन रहा दैट कंपनी वॉज अ रियल कंपनी फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स. इट हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड देयरफॉर द सिक्योर्ड डिबेंचर्स वर टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. जो कि इस केस में कौन था बताइए, सेलोमॉन खुद ही था. देन सेकेंड केस हमने किया ली वर्सेज लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, जिसमें मिस्टर ली ने एक कंपनी बनाई थी और वो खुद ही एक क्वालिफाइड पायलट थे और कंपनी में डायरेक्टर भी थे और सैलरी भी ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन एक बारी मिस्टर ली उड़े और उड़े ही रह गए. उनकी डेथ पे क्लेम करी गई कॉम्पेंसेशन और बताइए ली की जो विडो थी उनको कॉम्पेंसेशन मिल गई. देयरफॉर डिसीजन लीज विडो वॉज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन ऑन द बेसिस दैट द कंपनी एट लॉ इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन हु इनकॉर्पोरेट इट. नेक्स्ट फोर्थ आपने करी कैरेक्टरिस्टिक परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब इनफाइनाइट कंटिन्यूटी. एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज. मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर. इसका मतलब मेंबरशिप चेंज हो सकती है लेकिन कंपनी खत्म नहीं होती. सिमिलरली मेंबर्स लाइफ डज नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी. मेंबर्स की लाइफ, मेंबर्स की इंसेनिटी या फिर इनकैपेसिटी किसी भी तरह से कंपनी की लाइफ को इफेक्ट नहीं करती. नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने करा लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी. अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी अंटिल ऑल द डेट्स आर पेड इन फुल. दूसरी टाइप की कंपनी होती है लिमिटेड कंपनी. लिमिटेड कंपनी को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है. पहली लिमिटेड बाय शेयर्स, अगला लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अगर इन दोनों का सम कर दें लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. अच्छा, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी कितनी होगी मेंबर्स की, जितना अमाउंट अनपेड है. भैया 10 रुपये में से 8 रुपये कंपनी को हम ऑलरेडी दे चुके हैं एज अ शेयर होल्डर. हमारी कमिटमेंट 10 रुपये की थी तो हमें अब बेसिकली कितना देना होगा, 10 - 8 दैट इज इक्वल टू ₹2, दैट इज द अनपेड अमाउंट. अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना अमाउंट हमने मेंबर बनते हुए गारंटी किया था सिर्फ उतना ही कंपनी हमसे मंगवा सकती है. दैट मीन्स हमारी गारंटी अमाउंट जो है वही हमारी लायबिलिटी रहेगी एज अ मेंबर, बट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. दैट मीन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी पैसा हमसे नहीं मंगवा सकती. लास्ट था इन दोनों का सम, तो देयरफॉर अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स एंड अमाउंट गारंटी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी. सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है और उसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज भी कंपनी के नाम पे ही होगा. अ कंपनी कैन एंजॉय
own property in its own name. फिर से बोलता हूं, a company can own and enjoy property in its own name. कंपनी अपने नाम से कोई लैंड बिल्डिंग खरीद सकती है, शेयर्स खरीद सकती है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, और कल को उसमें कोई इंक्रीज होता है या डिविडेंड मिलता है, बोनस शेयर्स, वो सब कंपनी के नाम पर आएंगे, मेंबर्स के नाम पे नहीं आएंगे. Therefore, no member can claim to be the owner or co-owner of the company's property. तीसरी बात इसी में, a member does not have any insurable interest in the property of the company. इसके लिए हमने एक केस किया था, मकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जहां पे मिस्टर मकोड़ा ने रादर देन कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के, गलती से अपने नाम पे ही पॉलिसी ले ली थी, ये सोचते हुए कि भैया कंपनी की सारे शेयर्स तो मेरे पास ही हैं, देयरफॉर मैं ही इसका मालिक हूं, तो क्यों ना अपने नाम पे ही ले लूं. फिर टिम्बर में आग लग गई और उन्होंने क्लेम करा तो पैसा नहीं मिला. सो केस की जजमेंट क्या थी, इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू मिस्टर मकोड़ा, किस लिए, फॉर टिम्बर ऑफ द कंपनी डिस्ट्रॉयड बाय फायर. नेक्स्ट फ्रेंड्स, एट जो आपने इस पे कैरेक्टरिस्टिक करी वो थी सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट क्या मतलब, ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग. इसका मतलब द मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स, दैट इज वर्किंग ऑफ द कंपनी. कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड managed by its own managerial person, जिनको हम क्या बुलाते हैं, board of directors, generally board बुला देते हैं. In short, the directors are appointed and removed by its members. Therefore, ultimate control किसके हाथ में है, company के हाथ में. Of course, but day to day में हम interfere नहीं कर सकते, simply as members. चलो जी, next characteristic है friends, transferability of shares. हाँ जी, इसमें हमने सबसे पहले शेयर का मतलब किया, टू क्लॉज 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें दिया शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक. देयरफॉर इट इज अ राइट टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग विद इट सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. हमारी कुछ भागीदारी है और इसी वजह से उस भागीदारी के अगेंस्ट हमारी कुछ राइट्स भी हैं और कुछ लाइबिलिटीज भी है टुवर्ड्स द कंपनी, वाइल द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी के साथ भी कंपनी के बाद भी. अगली बात, नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स सेक्शन 44. इसका मतलब शेयर्स डिबेंचर्स कैसी प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल या इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती. दैट मीन्स शेयर्स डिबेंचर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दे आर ट्रांसफरेबल कैसे, इन द मैनर, बताओ जी, एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्टेड. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, नौवीं कैरेक्टरिस्टिक थी, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, शूड नहीं स्यूड. ओके, द कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम. कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है और अपने नाम में ही उसके अगेंस्ट केस करा जा सकता है. तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 9 में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हुई. उसके बाद हमने नेक्स्ट किया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. व्हील, व्हील की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, VEIL. व्हील का मतलब होता है मास्क, मुखौटा, राइट. इसका मतलब लॉ में एजम्पशन दी गई बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह, कि कॉर्पोरेट व्हील का मतलब एक्शंस ऑफ द कंपनी आर नॉट द एक्शंस ऑफ द ओनर्स. ओके, इसका मतलब जो कंपनी काम करती है उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं है, पक्की बात. बट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में क्या होगा, यस, इग्नोरिंग द सेपरेट आइडेंटिटी. इसका मतलब सोचिए क्या था, दैट मींस एक्शंस ऑफ द कंपनी आर द एक्शंस ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओहो, देयरफॉर जो बेनिफिट दिया गया सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का, वो कुछ केसेस में विड्रॉ करा जा सकता है. कुछ केसेस का मतलब दो केसेस, पहला इट इज परमिटेड बाय स्टैट्यूट, दैट मीन्स एक्ट में स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, कुछ बातें हैं जिनके तहत
ये कॉर्पोरेट वी लिफ्ट किया जा सकता है, और दूसरा देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ मिसयूज, इसका मतलब केस टू केस बेसिस पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूट में कि लॉ में कहां दे रखा है। पहला सेक्शन है सेक्शन 542 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 रिगार्डिंग फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। ध्यान रखने वाली बात, सेक्शन 542 कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट 1956। कंफ्यूजन खत्म करनी है तो सिंपली याद रखने वाली बात क्या कि कंपनीज एक्ट 2013 में तो सिर्फ है ही कितने सेक्शंस? 470, तो 542 तो 2013 का हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर कंपनीज एक्ट 1956 का। ओके, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, इफ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर लगता है कोर्ट को दैट द बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन किस लिए, पहली बात फ्रॉड करने के लिए अपने क्रेडिटर्स पे या किसी और जने पर, या फिर फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, दैट मीन्स जरा इंग्लिश में दोहराए, इन इफ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन, बताओ, कैरिड आउट फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड ऑन क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन और फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, तो या तो क्रेडिटर्स पे फ्रॉड किया, या फिर जिन लोगों के साथ काम कर रहे उनसे फ्रॉड किया, या कंपनी बनाई ही गई है फ्रॉड के लिए। ओहो हो हो, ये तो अफीम गांजा सप्लाई करने वाली बात हो गई। अरे समझ गए, याद आ गया, आगे बढ़ते हैं। देन द कोर्ट क्या डिक्लेयर कर सकता है, दैट एनी पर्सन हु इज और हैज बीन, है या रह चुका है क्या, डायरेक्टर मैनेजर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, Yes, and who are involved in the fraud shall be personally liable. Ho gaya lifting of corporate veil. Agla, section 179 of Income Tax Act 1961. Arrears of tax. Arrears of tax ka matlab ki tax bakaya hai. In case of private company being wound up, where any tax has remained payable, that means it cannot be recovered. Then every person who was a director for कब बताओ, for the previous year, relevant previous year in which the tax remains payable, therefore they shall be jointly and severally liable. पक्की बात, तो जिस साल का tax बकाया है उस साल के directors बताइए jointly and severally liable रहेंगे। Next कोई section नहीं था, अल्ट्रा वायर्स एक्ट था। अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मतलब, अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड, वायर्स VIRES, वायर्स का मतलब पावर्स, सो द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स डन बाय देम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो अगर कुछ बियॉन्ड द पावर्स किया तो फिर डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा। अगली बात आपने करी थी दोस्तों केस लॉज की। केस लॉज में पहला केस आपने किया डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड। हां जी, क्या बोला गया इस केस में कि व्हील कैन बी लिफ्टेड टू एसर्टन द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। हमने पूरी जजमेंट लिखी, हमने कहा इट वॉज हेल्ड दैट सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ना ही इसके दोस्त हो सकते हैं ना ही कोई दुश्मन, देयरफॉर ये जानने के लिए कि क्या कंपनी दोस्त है या दुश्मन है कंट्री की, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन लोग इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। देयरफॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करा गया इस केस में, जो इस केस में सारे दुश्मन थे और पेमेंट नहीं हुई। अगला केस आपने किया वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज ARIL, एरियल नहीं है दोस्तों, ARIL, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ इसमें जजमेंट क्या आई, वेयर अ सब्सिडरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इवेजन, ये बोनस इवेजन का केस था याद करिए, तो इस केस में व्हील कैन बी लिफ्टेड, दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी किस लिए बनाई गई थी बोलो, सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि बोनस वेट करा जा सके, कम रेट पे दिया जा सके, जो पता लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। अगली बात, पक्की बात, चलो जी नेक्स्ट केस था, बहुत ही फेमस केस लॉ, सर दिनशॉ मानिक जी पेटेट,
किसका केस था? टैक्स इवेजन का, जहां पे सर दिनशॉ मानिक जी ने किसलिए कंपनीज बनाई थी छोटी छोटी, टैक्स इवेजन के लिए। तो क्या जजमेंट आई? द ओनली पर्पस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दीज कंपनीज वॉज टैक्स इवेजन। ईच ऑफ दीज फोर कंपनीज वॉज अ शैम, शेम नहीं शैम, SHAM, शैम का मतलब फ्रॉड। Therefore, income earned by all these private companies shall be treated as the income of the assessee. Lifting of corporate deal हो गया। Okay, चलो जी, अगला पॉइंट था हमारे पास इस चैप्टर में, इस कंपनी अ सिटीजन, क्या कंपनी सिटीजन है? तो हमारे पास आंसर आया नो, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अ सिटीजन। कौन से एक्ट में? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। Therefore, company cannot become a citizen of India. अगली बात, क्या fundamental rights citizen की मिलेंगी? इसका मतलब company को नहीं मिलेंगी, लेकिन किसकी मिल जाएंगी rights? Yes, of a person, क्योंकि वो artificial person तो है। चलिए next section पे आते हैं दोस्तों। इस chapter में mandatory use of the word limited or private limited, section 4। हाँ जी, हरेक कंपनी को अपने नाम के एंड पर क्या लगाना है? या तो वर्ड लगाना है प्राइवेट लिमिटेड, या फिर लगाना है लिमिटेड। ऑफ कोर्स प्राइवेट लिमिटेड कहाँ लगेगा? इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट अगर वो प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक होगी, इसका मतलब वो क्या लगाएंगे? पब्लिक लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड? सर सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगेगा, प्राइवेट नहीं। अरे ये तो डेफिनेशन से भी कनेक्ट हो गया पब्लिक कंपनी की। यस, टू क्लॉज 71 वाली याद आई? यस, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। हाँ जी, बट ये बात आखिरी में लगाने की कहां पे एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों? सेक्शन 8 कंपनीज। इसका मतलब अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है, लाइसेंस कंपनी है, तो उसके अपने नाम के एंड पर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अगली बात, सेम अप्लाइज टू गवर्नमेंट कंपनी एज वेल। चलो जी, अगली बात इसका बिल्कुल विपरीत, सेक्शन 453, सेक्शन 453, पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब अगर जो जना कंपनी नहीं भी है, तो भी अगर वो आखिरी में वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाए, तो उसमें ये फाइन लगेगा। अच्छा, तो सिर्फ कौन लगा सकता है? पहली बात कंपनी, और दूसरा कि वो लिमिटेड भी हो। फाइन कितने का होगा बोलो? कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 2000 पर डे। पर डे याद रखना, पर डे। ओके, अगली बात, हाँ जी, नेक्स्ट, PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू क्लॉज 72। हाँ जी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइन करिए। सबसे पहले तो कुछ तीन फिक्स थे, LIC, देन UTI और फिर IDFCL। पक्की बात, IDFCL। अगला, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय CGE अंडर सेक्शन 4A सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 में 4A PFI का था, उसमें सबसेक्शन 2 में बहुत सारी स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे कवर करा गया था, तो वो अब 2 clause 72 में कवर हो रही है। साथ ही साथ लास्ट, कोई भी और इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय CGE इन कंसल्टेशन विद RBI, RBI की अब कंसल्टेशन जरूरी है। अगली बात, प्रोवाइजो, कब तक नोटिफाई नहीं होंगे? जब तक वो सेंट्रल या स्टेट एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड ना हो, और दूसरी बात, हाँ जी, उसमें 51% और मोर ऑफ द PUC का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल बाय CGSG और बोर्ड। अगला, मीनिंग ऑफ रिलेटिव, टू क्लॉज 77। अच्छा, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, 2 clause 77। कौन कौन है रिश्तेदारी में? सबसे पहले
मेंबर्स ऑफ HUF। अगला, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, हस्बैंड एंड वाइफ। अगला, प्रिस्क्राइब रिलेशन में कौन कौन, हमसे पहली जनरेशन, फादर मदर। अगला, ब्रदर सिस्टर। अगला, सन डॉटर एंड देयर स्पाउसेस, और स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर एंड स्टेप सन। सो फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर 1 ऑफ योर कंपनी लॉ, दैट इज नेचर ऑफ कंपनीज की ऑडियो रिकॉर्डिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लुक फॉरवर्ड टू चैप्टर 2। थैंक यू।